महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी के 25 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी। फडणवीस के निजी सहायक रहे सुमित वानखेड़े को टिकट। अब तक बीजेपी ने 146 सीटों पर कैंडिडेट उतारे। ठाणे की कोपरी बचपा खाड़ी सीट से सीएम एकनाथ शिंदे ने भरा नामांकन। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी बारामती सीट से पर्चा भरा। नॉमिनेशन से पहले दोनों नेताओं का रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन। अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा बिहार एनडीए। 225 सीटें जीतने का लक्ष्य। नीतीश कुमार ने सभी दलों से एकजुट रहने को कहा। सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम की धमकी। 5 बार फोन आने का दावा। गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर जेड कैटेगरी की सुरक्षा मांगी। वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो। 4,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला मोहित पांडे का परिवार। 10 लाख मुआवजा और बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मुख्यमंत्री ने कस्टडी में मौत को लेकर जांच का दिया भरोसा। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकी हमला। सेना के एम्बुलेंस पर आतंकियों ने घात लगाकर की फायरिंग। पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च अभियान जारी। दिल्ली के जामिया नगर में बाप बेटे ने की पुलिस वालों की पिटाई। तेज आवाज बुलेट को रोकने पर गुस्साए रियाजुद्दीन और आसिफ ने एसएचओ की आंख पर मारा मुक्का। दोनों गिरफ्तार।